तो भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के वित्त और वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने बयान दिया है। कहा कि राज्य सरकार की आबकारी नीति के पैरा 23 और 16 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत एक शराब की दुकान से दूसरी शराब का स्टॉक ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन महीने के कोटे के हिसाब से उन्हें दूसरा स्टॉक नहीं दिया जाएगा। एक ही जगह पर प्रदेश में कई अधिकारी वर्षों से जमे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता अनुसार उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। इससे किसी प्रकार की राजस्व की हानि नहीं होती, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में 10 सालों से ज़्यादा एक ही स्थान पर जमे हुए कई अधिकारी है, जिसमें विभाग को राजस्व की हानि हो सकती है। आबकारी विभाग के कई अधिकारी मलाईदार स्थानों पर बैठकर लिकर्स के साथ सांठगांठ करने में लगे हुए हैं। विभाग में कंडिका 9 कंडिका 23 में आंशिक संशोधन हुआ है। ये मुझे लगता है कि विभाग के हिसाब से सब निरंतर प्रक्रिया है और ये होती है। कुछ अधिकारी भी प्रदेश के अंदर कई ऐसी जगह पर हैं जो पुराने जमे हुए हैं। समय समय पर सरकार निर्णय लेती है और जब ट्रांसफर जब होते हैं तो जैसी व्यवस्था बनाना है विभाग को, उस प्रकार से मुझे लगता है समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होता, ये तो निरंतर प्रक्रिया है। स्थानांतरण, एक दूसरी जगह जाना, कहीं हटाना लाना, ये सब प्रक्रिया होती है। सर, विभाग को आगामी जो वर्ष है उसके अंदर भी जो ठेके गए हैं आबकारी के, इससे उनको ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी, इससे ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल राजस्व प्राप्त होगा और कोई नुकसान नहीं होगा। सभी विभागों में मुझे लगता है कि जो राजस्व प्राप्त होने वाले जितने विभाग हैं, इस बार कोरोना काल जब था तब कमी आई थी, उसके बाद मुझे लगता है कि स्थितियां पूरी सामान्य हुई है और अब काफ़ी आगे बढ़े हैं। कांग्रेस रणनीति बना रही है 2000